जबलपुर एक्सप्रेस ने अपने 32 वर्ष पूरे कर लिए हैं। संस्थान ने अपना स्थापना दिवस मंगलवार को जेपी इन में एक गरिमा में आयोजन के साथ मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते और जिले के सांसद नकुलनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नेता तुए के साथ जिले अन्य प्रतिनिधियों ने भी जबलपुर एक्सप्रेस को जिले के समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में जबलपुर एक्सप्रेस समूह की ओर से समाचार पत्र समूह के प्रबंध संपादक सनत जैन, कार्यकारी संपादक राजकुमार जैन, डायरेक्टर अंकित जैन, सोहिल जैन, सोमेश जैन के अलावा समाचार पत्र समूह से जुड़े जिले भर के संवाददाता एजेंटों के साथ व्यवसायी समूह के प्रमुख मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 16 प्रतिभाओं को विशेष रूप से मुख्य अतिथियों के हाथों विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। दो सत्रों में शुरू हुए आयोजन में शाम 7 बजे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एक घंटे के आयोजन के दौरान उन्होंने स्थापना के 32 साल पूरे होने के मौके पर प्रकाशित विशेषांक का विमोचन किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने जबलपुर एक्सप्रेस के पिछले 30 वर्षों की यात्रा पर बनी विशेष फिल्म भी देखी और सराहना की, साथ ही संपादकीय सहभागियों का भी सम्मान किया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में सांसद नकुलनाथ ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। यहां उन्होंने समाचार पत्र समूह के सदस्यों से मुलाकात की और सराहना की। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले प्रतिभाओं के साथ शहर के गणमान्य सहयोगी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, महापौर विक्रम आहके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो, भाजपा नेता विजय पांडे, विजय झांझरी, शेषराव यादव, शैलेंद्र रघुवंशी, जितेंद्र तिवारी सहित अन्य नेतागणों की मौजूदगी। खेल खेल में कहां तक आ गए इसका विश्वास नहीं होता है। 99 में 4 पेज का ब्लैक एंड व्हाइट अखबार और इस प्रेरणा के साथ कि जिले में एक नई सक्रियता हो, तो उस समय अखबारों में जिलों के समाचार लगभग लगते ही नहीं थे और 2-3 दिन हफ्ते में शायद छोटे में समाचार लग जाते थे। एक शुरुआत हुई, एक पेज मैंने छिंदवाड़ा को देना शुरू किया और तकनीकी का सहारा लिया कि यहाँ की एडिटोरियल काम करती थी और वो एडिटोरियल को ये पता होता था कि किसको हमें कैसे सम्मान के साथ और किन चीजों को कवर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच पर सभी जैन परिवार के सदस्यगण यहाँ उपस्थित, छिंदवाड़ा जिले की हस्तियों जिनको अभी अवार्ड मिला है और प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं पूरे जैन परिवार और जबलपुर एक्सप्रेस टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इनका 32वां साल पूरा हुआ है और बड़ी खुशी है कि इनकी स्थापना हमारे छिंदवाड़ा जिले से हुई। जैन साहब, सनत जैन साहब अभी कह रहे थे कि लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता हूं कि जबलपुर एक्सप्रेस किधर का है, जबलपुर का है, छिंदवाड़ा का है, बालाघाट का है। अभी डॉक्टर बग्गा की बात हो रही थी, मुझे याद है जब मैं अपने पहले चुनाव प्रचार में आया था तो मेरे दांत में दर्द हुआ और मुझे डॉक्टर बग्गा के क्लिनिक में जाना पड़ा। तो अभी जैन साहब बता रहे थे ये खुद हंसते रहते हैं लेकिन सबको दर्द देते हैं, बड़ी सही बात कही आपने। तो मुझे तो अभी और कार्यक्रमों में जाना है। एक बार फिर मैं जबलपुर एक्सप्रेस की पूरी टीम को, पूरे जैन परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जबलपुर एक्सप्रेस के हमारे प्रमुख पदक और इसके समूह के अध्यक्ष आदरणीय जैन जी, हमारे इस छिंदवाड़ा जिले के भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष भाई विवेक वंटी साहू जी, आदरणीय हमारे सनत जी के बड़े भाई राजकुमार जैन साहब, हमारे उमेश जैन जी, दिल जी और पिताजी
और इस कार्यक्रम में विशेषकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर जो हमारे शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रिया जी और प्रेस से संबंधित सभी यहाँ उपस्थित मित्रों और विशेष तौर से इस परिवार जबलपुर एक्सप्रेस ये जो पूरा समूह है और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं बहनों, ये सफर इन 32 वर्षों का है। शायद मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब सनत जी इस अखबार की शुरुआत किए थे और संयोग से मैं उस समय भी था और ये सौभाग्य पुनः आज इस छिंदवाड़ा में जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय हमारे एक नवभारत पत्रकार अखबार जो छपता था उसका जो प्रमुख संपादक थे महेश्वरी जी और उस समय बहुत बार हम लोग विधायक के नाते संसदीय सचिव में उस समय राज्य सरकार में था तो इस नाते बहुत बार मिलना होता था। तब उस समय हम सोचते थे जबलपुर एक्सप्रेस के बारे में, वास्तव में आज अगर देखें जबलपुर एक्सप्रेस के बारे में तो पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे देश के कुछ भागों में लगातार इसमें इसका जो सर्कुलेशन बढ़ा है और निष्पक्षता के क्षेत्र में भी बहुत बार ऐसे संकट आए हैं, मैंने देखा है तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनी, परंतु हमारे जी ने कभी पीछे देखा नहीं। अखबार में बहुत अखबारों को मैंने देखा है कि अखबार प्रारंभ हुए परंतु कुछ समय के बाद वो कहीं ना कहीं भ्रम लगे, सरकारें आई गई परंतु सरकार का जो मॉरल सपोर्ट इस अखबार को चाहे कोई भी सरकारें रही हो मैंने देखा है, जबलपुर एक्सप्रेस अपने आप में चाहे व्यक्तिगत कारणों से हो नज जी का संपर्क, उनके अपने संबंध, ऐसे बहुत सारे अखबारों को हमने देखा है। शायद अग्रवाल जी को छोड़ दें दैनिक भास्कर को, तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश का सबसे अगर कहें हम तो जबलपुर एक्सप्रेस लीडिंग अखबार की तरह पूरे क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में।